संभल में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा दूसरे चरण के मतदान के बाद हार को महसूस कर बौखलाए बीजेपी नेता, अब जनता को गुमराह करने की कर रही है कोशिश। सपा सुप्रीमो ने आज फिर बीजेपी पर करारा हमला किया। अखिलेश यादव ने कहा पहले और दूसरे चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी के नेता बौखला गए हैं, रुझानों को देखते हुए बीजेपी के नेताओं की भाषा बदल गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो बीजेपी के नेता अभी तक 400 पार की बात कर रहे थे, वो अब दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की बात कर रहे हैं। संभल के लोगों ने मन बना लिया है, जो सबसे बड़ी हार बीजेपी की होगी देश में, संभल के लोग भी बीजेपी को सबसे बड़ी हार दिलाने जा रहे हैं। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, नौजवान को नौकरी नहीं दी, और अब तो भाषा बदल गई। ये भाषा हारने वालों की होती है। जो रुझान आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, वो हार के रुझान हैं। जो लोग 400 पार कह रहे थे, आज पिछड़े, दलित, आदिवासियों की बात कर रहे हैं। जिन पिछड़े, दलित, आदिवासियों का हक और सम्मान इन्होंने छीना, जो संविधान अधिकार देता है, जिसको छीना, उसकी बात कर रहे हैं। सोचिए आप, कहाँ 400 पार, कहाँ आज पिछड़े, दलित, आदिवासियों की बात। ये इस बार इस चुनाव में मन की बात लोग नहीं सुनना चाहते हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।